मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये देख के कि जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई गवर्नमेंट में आते साथ ही, उसका आपने आगाज़ कर दिया है। मरियम, मैं आपको और प्लानिंग मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ, और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है, सबका नाम मेरे पास इस वक्त लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है और होगी। तो जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कर रहे हैं और आगे करेंगे, मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमने मैंने ओथ उठाया तो फ़ौरन रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया, तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया, जिसका मेरा मेरा जिसके लिए मकसद ये था कि लोगों के डोर स्टेप्स पे उनका जो रमज़ान पैकेज है या गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान का उनको हेल्प है वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिले। तो टू माय अटर हॉरर मुझे पता चला कि हमारे पास डेटा नहीं है, और मुझे बहुत शिकायत आनी शुरू हो गई कि ये जी ये तो रमज़ान पैकेज गरीब के लिए था, एक सर्टन पॉवर्टी स्कोर जो है उससे नीचे रहने वाले लोगों के लिए था, तो ये तो अमीरों को भी मिल गया है, ये डेरों पे डिलीवर हो रहा है। तो उससे मुझे ये पता चला कि हमारे पास तो डेटा है ही नहीं। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है, डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया, क्योंकि मुझे ये पता चला कि हमने अपनी समझ के मुताबिक जो पैकेजेस थे वो हमने उस नंबर के मुताबिक बनाए जो मुझे नंबर दिया गया, और बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये पता चलना शुरू हुआ, मेरे ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि ये बड़ा अच्छा चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक बड़ा अच्छा उस वक्त इनिशिएटिव था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को ये कहा कि अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को यूज़ करते हुए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो पहले एड्रेसेस की कराई जाए, ताकि किसी नॉन डिज़र्विंग को ये पैकेज ना मिले और डिज़र्विंग को ये मिले। तो जब हम फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमें ये एहसास हुआ कि जो एड्रेसेस हमारे पास हैं उनमें से कई एड्रेसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो घर किधर हैं, और वो लोग रहते भी हैं या नहीं रहते, उस एड्रेस से वो मूव कर गए हुए हैं, कहीं और चले गए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स पुराने थे, गलत थे, कोई हमें उसके बाद हम एक सर्टन लेवल के बाद हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम ये जो लोगों को कैसे ढूंढें। 13.5 करोड़ आबादी है पंजाब की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है, किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से या सिचुएशन से उनका ताल्लुक है, मुझे नहीं पता इस बात का। और मैं ये समझती हूँ कि जो डेटा के ऊपर, रिलायबल डेटा की इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर, कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। इसलिए मैंने फिर ये फैसला किया कि हमारे पास स्कैटर्ड डेटा था, कुछ नादरा के पास था, कुछ PITB ने बड़ा हेल्प किया हमें रमज़ान पैकेज के वक्त, BISP का डेटा था, उसमें भी मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो फैसल यहाँ बैठे हैं PITB से, इन्होंने बड़ा हमें हेल्प किया, और जो PITB है इन्होंने नादरा का जो डेटा था और जो BISP का डेटा था उसको कंबाइन किया, और रमज़ान पैकेज के लिए हमें एक बेस लाइन बना के दी, जिससे वो तो हमने कर लिया, लेकिन मुझे ये उस वक्त समझ आ गई कि हमारे गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है, और मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फैसले करते हैं, किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है, कोई हमारी टारगेटेड अप्रोच नहीं है। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है, और बहुत दफ़ा डेटा फज्ड होता है। तो ये भी होता है कि हम 12 एकड़ का जो, और या उससे जो कम का, जिसको छोटा किसान हम कहते हैं, हम उसको अगर टारगेट करना चाहते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि टैक्स से बचने के लिए
बहुत सारे लोगों ने 12-12 एकड़ में तोड़ के अपने जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो कराई हुई हैं। इसी तरह अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं, जो लोगों को, मुझे नहीं पता पंजाब में 13 करोड़ आवाम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका घर नहीं है और वो किराए पे रहते हैं या वो अभी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स में रहते हैं। तो अभी मैंने फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये किया है कि हमने हेल्पलाइंस खोल दी हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए, हर अपने जो स्कीम है उसके लिए मैंने हेल्पलाइंस खोल दी हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई उस प्रोजेक्ट में या उस स्कीम में उसका नाम नहीं आया तो, और या वो इंक्लूडेड नहीं है, या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं समझती हूँ कि अभी मैंने जब ये जो हमारे स्पेशल लोग हैं, स्पेशल जो हमारे पीपल हैं उनके लिए मैं एक डिसेबिलिटी, किस किस किस्म की है मुझे नहीं पता, किसको व्हीलचेयर चाहिए मुझे नहीं पता, किसको किस किस्म का इलाज चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि जो लोग डिसेबल हैं वो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन हैं और अपने फैमिली पे शायद उनका एक एडिशनल बर्डन है, तो मैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है। इसी तरह आईजी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, क्राइम का हमारे पास वो डेटा है जो 15 की कॉल्स का है। मैंने इनसे ये कहा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि किस शहर में किस क्राइम की क्या क्या कितनी पॉकेट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन सा क्राइम जो है वो उस तरह से ज़्यादा है। आजकल हीट मैप्स बनते हैं, हीट मैप्स जनरेट होते हैं, उससे आप उसके ऊपर बेस करके अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक मच नीडेड लेकिन बहुत एक वेलकम प्रोजेक्ट है जिसका जिसकी ज़िम्मेदारी मरियम औरंगज़ेब ने उठाई है। और आज मैंने जो देखा है, मुझे पहले भी इन अपडेट्स मिलती रहती हैं, मैं इसके ऊपर इनसे गाहे बगाहे लेती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन, तो बड़ी मुझे खुशी हुई है ये देख के कि रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। सम 25 लाख इनकी रजिस्ट्रेशन हो भी गई हैं। और ये फैमिलीज़ की बात कर रही हैं, देखिए आज तक हम लोग इस बात को ही सेटल नहीं कर पाए कि हमारे पास जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका नंबर है, उसके नीचे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं हम नहीं जानते। कुछ की डेफिनेशन के मुताबिक फैमिली जो है वो 4 होती है, कुछ के मुताबिक 6 होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में 6, 7, 8, 9, 10 और उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो फैमिली के अंदर होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो ताकि मैंने जिस किस जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। और जो पंजाब हुकूमत का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बजट है वो ज़ाया ना हो, और उसको जो जो उसका टारगेट है, जो जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, जिसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसको वो मिले। तो खुशी हुई मुझे ये देख के कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं, 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बन गए हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं जिन्होंने लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है, डेटा साइंस है, इसमें डेटा को कैसे कलेक्ट करना है ये एक आम बात नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आई एम ग्लैड कि ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है, तमाम डीसीज़ ऑनलाइन हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि इसको बहुत कॉन्शियसली इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ ये कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको स्टार्ट करें बल्कि थ्रू टू द एंड इसको आप ज़रूर देखें कि एक्यूरेट डेटा मिले, फजिंग ना हो, ताकि हमारे पास पंजाब के में रहने वाले हर पंजाबी का डेटा आए, हर घर का हमें हमारे पास डेटा हो और मुझे पता हो कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सा कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। और ये भी अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो लेबर का कोई इनिशिएटिव हो, या कोई हेल्थ का इनिशिएटिव हो, एजुकेशन का इनिशिएटिव हो, इस जो रजिस्ट्री है इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आप उन जो स्कीम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन के आप हकदार ठहरेंगे। और सेल्फ रजिस्ट्रेशन का हमने आपको ऑप्शन दिया है, पोर्टल बनाया है, आप अपने घर से बैठे हुए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, सेंटर्स में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।
हेल्पलाइन बना दी, आप इसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी, डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होगी, वो उसका एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास एक पूरा रिलायबल निम्बल डेटा आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो, टारगेटेड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकेंगे। अभी हम एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत सारी, एक हमारी 13 करोड़ में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं, या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। लोगों को अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक बहुत बड़ा, जो पंजाब के तकरीबन 45 लाख यूज़र्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस, आई थिंक या अबाउट 45 लाख यूज़र्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं, जिसमें उनके बिजली के बिल कम अज़ कम इंशाल्लाह ताला आधे हो जाएंगे। उसका पायलट हमने शुरू किया हुआ है, हमने उसका टेस्ट रन शुरू किया हुआ है, 9 हमने वो शुरू किए हुए हैं, लगा दिए हैं, जिसके जिसका डेटा हमें आना शुरू हो गया है। लेकिन देखें, क्योंकि बापटा के पास एक रिलायबल डेटा है, आपके बिजली के बिल एक बहुत बड़ी यार्ड स्टिक होती है, आपके जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो, और कितना यूनिट किसने कंज्यूम किया, तो आपके पास एक डेटा है, इसलिए मुझे ये स्कीम बनाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है हर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैं शाबाश देना चाहूँगी, थैंक यू मरियम, आपने तमाम डिपार्टमेंट्स का मुझे लिख के भेज दिया, एक PND का, PITB का, PSPA का, अर्बन यूनिट का, और पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, नादरा का, स्पेशली नादरा चेयरमैन, आई वुड लाइक टू थैंक हिम, BISP, NSER, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, DCs हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, मैं आई थिंक सबको मैं शाबाश भी देना चाहती हूँ, और ये याद दहानी भी सबके लिए कराना चाहती हूँ कि ये हमारी फ्यूचर के लिए ये स्टेप कितना ज़रूरी है, ये इनिशिएटिव कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर वी विल बी शूटिंग इन द डार्क। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप इंशाल्लाह ताला, बल्कि मुझे यकीन है, दिस इज़ माई फेथ, के वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट, और विद इन अ ईयर्स टाइम हमारे पास एक रिलायबल क्रेडिबल डेटा आ जाएगा जो फज नहीं होगा, ताकि हम जिसकी मदद करना चाहेंगे, जिसको ज़रूरतमंद को उसकी दहलीज़ पे जो रिलीफ है वो पहुंचाना चाहेंगे, उसमें हमें डेटा की मुश्किल नहीं आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे।